नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मेरठ की सिवाल खास सीट में हूं। यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मनिंदर पाल हैं, उनसे बात करेंगे क्या स्थिति है यहां की, क्योंकि ये सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है मेरठ जिले की, क्योंकि इस सीट पर जो है टिकट को लेकर एलटी विवाद हुआ, उसके बाद सब शांत है। पूछते हैं कि किन समीकरण के आधार पर वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मनिंदर पाल जी, क्या कहेंगे? कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल से जनता के बीच है। जनता की सारी हितार्थ काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं 5 साल में, और 2 साल से कोरोना के दौरान हर द्वार पर गई है, चाहे सैनिटाइजर का मामला हो, चाहे साबुन का मामला हो, चाहे चने देने का मामला हो, गेहूँ देने का मामला हो, चीनी देने का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो, डॉक्टरों की फर्स्ट एड देने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी में किसी काम में कोई कमी नहीं करी। हम लोग हमेशा जनता के द्वार गए, तो आज कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें बस इतना है कि हमें उनका सम्मान देना है। बीजेपी को यहाँ पर टिकट काटना पड़ा, आपको उतारना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वजह जो स्थानीय प्रतिनिधि थे आगे, उनसे नाराजगी पार्टी ने समझी होगी, इसी वजह से तो आपको लाएगा। तो उस नाराजगी को किस तरह आप पॉजिटिवनेस में चेंज करेंगे? नहीं, नाराजगी बहुत ज़्यादा नहीं थी, नाराजगी ये थी थोड़ा सा संवादहीनता हो गई थी, कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम समरसता लाएंगे, संवाद बढ़ाएंगे, लोगों के बीच की दूरियां कम करेंगे, समाज से मिलना शुरू करेंगे, बस ये करना है और सब ठीक है। लेकिन ये जो सीट अगर जाती है, धार्मिक और वोट का समीकरण देखें ना महेंद्र पाल जी, मुस्लिम बहुल सीट है ये, पर इसके बाद आरएलडीबी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन जो है वोट बैंक का वो बनता है वो आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो इस बड़े जो जातीय ध्रुवीकरण को आप कैसे रोक पाएंगे? नहीं, असल क्या है, गठबंधन तो है नहीं, गठबंधन इसलिए ले कि लोकदल तो किसानों की पार्टी है और किसान उनका प्रत्याशी है नहीं। किसान मैं हूँ, मैं किसान परिवार में जन्मा हूँ, तो किसान लोग सब किसे वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वो एक संप्रदाय विशेष का आदमी है, पहले समाजवादी से लड़ा था, अब पता नहीं किस कारण मजबूरन लोकदल को उसे चिन्ह देना पड़ा, आज हमारे साथ सारा समाज खड़ा है। वो कह रहे कि हमारे जो उनके जो आरएलडी के जो प्रत्याशी यहाँ से संभावना थी उनके साथ घूम रहे हैं, उनका कहना कि अब ये हमारे प्रत्याशी है, तो ऐसी कोई बात नहीं, टूट नहीं है मतलब दोनों दलों के बीच में? नहीं, वो राजनीतिक एजेंडा है, वो यही कहेंगे, उन्हें कहना भी यही चाहिए, मगर आप देख लीजिए जनसैलाब किसके साथ है, कौन सा समाज है, एक एक आदमी आपके साथ है। अल्पसंख्यक समाज ने भी लगातार 10 गांव में स्वागत किया, आज जिस करनाल नगर पंचायत है बड़ी, इसमें भी आज मुस्लिम समुदाय ने हमारा स्वागत किया, वो सब राष्ट्रवादी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। ये थे मनिंदर पाल जी, जिनका कहना था कि विकास के कार्य है, उनके आधार पर जनता के बीच जाऊंगा।